ग्राम्स होगा क्योंकि वो मास फाइंड आउट करना है। इट वाज 0.384 इनटू 10^-3 किलोग्राम होगा, 10^-3 किलोग्राम बिकम ग्राम। तो आपका आंसर करेक्ट है, आंसर है 0.384 ग्राम्स। तो जितने भी स्टूडेंट ने आंसर दिया इट्स करेक्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़े बहुत स्टूडेंट आंसर देंगे, बट गुड, काफी स्टूडेंट ने दिया आंसर, ठीक है। तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनका नाम भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। मृणाली, ईशा आनंद, तुषार शर्मा, सानिका भवाने, आर्यन परदेसी, जानवी, देविका, अनिल कुमार, सृष्टि, अभिनव नाम्बियार, अखिल नायर, राहुल नायर, राहुल लोहार, आमला, आकांक्षा जॉय, एलिना थॉमस एंड मेनी मेनी मोर। सबका आंसर करेक्ट है, कीप इट अप। चलो ठीक है, बाकी कुछ स्टूडेंट हैं जो तो कभी नहीं करेंगे, उन तो बैठे ही रहेंगे, ठीक है, बैठे रहो। चलो लेट्स कंटिन्यू नाउ। आई थिंक ये क्वेश्चन लिख लिया सबने, एक बार पढ़ लेता हूं मैं। देयर आर टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, ऐसे मान लो कि सपोज एक यूरेनियम है और एक थोरियम है, ऐसा दो है, दोनों की हाफ लाइफ अलग अलग है, एक की टी ए और एक की टू टी ए, डबल हाफ लाइफ है। आर टेकन विद देयर इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स सेम, दोनों के जो स्टार्टिंग में एटम्स मैंने लिए हैं, द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग एन जीरो से डिनोट करते हैं, एन जीरो, एन नॉट, एन नॉट सेम है दोनों का। एट द टाइम टी इक्वल्स टू 40, ये टाइम पे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिमेनिंग। 40 टाइम जब हुआ है, स्टार्टिंग से जब जीरो से 40 टाइम हो गया, तब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो पूछा है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, सेकेंडली इसका जो कैलकुलेशन है ना थोड़ा सा टफ है, सम मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस, सो दैट आपको टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आने चाहिए। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, देखो नंबर ऑफ एटम्स आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। दिस फॉर्मूला आई एम अप्लाइंग फॉर फर्स्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए मैं लगा रहा हूं, तो उसके मैं लिखूंगा एन वन एन नॉट ई रेस टू माइनस, देखो ये जो लैम्बडा है ना, लैम्बडा को डीके कॉन्स्टेंट कहते हैं, फॉर एवरी सब्सटेंस डीके कॉन्स्टेंट विल बी डिफरेंट, दोनों की हाफ लाइफ अलग अलग है ना, दोनों का लैम्बडा भी अलग अलग होगा, तो लैम्बडा वन लिखेंगे। और जो स्मॉल टी है ना, स्मॉल टी देखो मैं कितना पुट कर रहा हूँ, सो टाइम मैंने पुट किया 40, सो दिस एन वन बिकम नंबर ऑफ, एन वन क्या बन गया, एन वन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस आफ्टर टाइम 40, और इधर लैम्बडा वन लिखा है फॉर फर्स्ट सब्सटेंस। सिमिलरली बताओ सेकेंड सब्सटेंस के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ सेकेंड सब्सटेंस क्या होगा, एन टू होगा, इज इट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर सेम है ना दोनों के, तो एन जीरो सेम आएगा। ये सेकेंड सब्सटेंस के लिए लिख रहा हूं, सेकेंड सब्सटेंस का जो डीके कांस्टेंट है वो लैम्बडा वन तो नहीं होगा, इट विल बी समथिंग एल्स, इट्स लैम्बडा टू। एनीबडी टाइम 40 डालो कि 2t डालो सेकेंड सब्सटेंस के लिए, ये t 40 डालो कि 2t डालना है सेकेंड सब्सटेंस के लिए, एनीबडी 2t बोलो, हां 2t 2t ना, हाँ करेक्ट, हाँ किसने आंसर दिया, अभिषेक मिश्रा, अभिषेक मिश्रा रॉन्ग आंसर है, 40 रहेगा, क्योंकि देखो तुमको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट टाइम इक्वल टू 40, 40 जब टाइम हुआ है, जब समय हुआ है 40, उस समय पे दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियर निकालने हैं, जिस टाइम पे निकालना है वो 40 है, 2T डोज का हाफ लाइफ है, इधर हाफ लाइफ थोड़ी पुट करना है, ये टाइम देखो ये वाला,
ये क्या हाफ लाइफ होता है क्या? ये वो टाइम है जिसपे तुमको एन नंबर ऑफ न्यूक्लियर फाइंड आउट करना है, 40 आएगा। आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट सबको, 40 क्यों आ रहा है। ठीक है, सो देखो, N1 इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस एट 40 सेकेंड्स, N2 इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिमेनिंग ऑफ द सेकेंड सब्सटेंस एट 40 टाइम। ना दोनों को 40 पे निकालना है। अब इन दोनों को डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे चाहिए रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, इट्स N1 डिवाइडेड बाय N2। ऑन डिवाइडिंग N0 कैंसिल, क्योंकि दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है ना, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस दोनों के सेम है, इससे नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियली सेम, N0 कैंसिल, इट्स e रेस टू माइनस 40 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय e रेस टू माइनस 40 लैम्डा 2। जस्ट चेक, समझ में आया? ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन टफ है, जैसे मैंने बोला अभी वो कैलकुलेशन चालू होगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में चीज है ना, ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप ऊपर ले लो, तो वो माइनस 40 लैम्डा 2 ऊपर ले लो, इट विल बिकम प्लस 40 लैम्डा 2 ना, और उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ ई रेस्ट माइनस 40 लैम्डा 1, राइट? अब एनीबडी अभी क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? बेस ई है ना, दोनों में ई और ई है ना बेस, तो बेस अगर ई है तो ऊपर के पावर्स ऐड होते हैं, 40 लैम्डा 2 विल बी एडेड विद 40 लैम्डा 1, 40 कॉमन आ जाएगा, इन द ब्रैकेट इट इज लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये आने वाला है, देखो, राइट? यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, हमको लैम्डा 2 लैम्डा 1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। लैम्डा 2 एंड लैम्डा 1 आर द डीके कांस्टेंट्स ऑफ टू सब्सटेंसेस, लेकिन डीके कांस्टेंट गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हाफ लाइफ गिवन है टी एंड टू टी, ये टी और टू टी तो हाफ लाइफ है ना, तो कैसे करेंगे? आपको एक चीज याद होगी स्टूडेंट, हाफ लाइफ ये याद है, इट्स गिवन बाय 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, डू यू रिमेम्बर दिस? सो इसमें मैं लैम्बडा और ये जो टी है उसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, लैम्बडा विल बी जीरो, लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा विल बी 0.693 अपॉन टी ना, अपॉन टी 0.693, ये नंबर कहाँ से आया था याद है? 0.693 इज एक्चुअली लॉग ऑफ 2, इट्स लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693। जिनका थियरी क्लियर होता है उनको ये समझ में आ जाता है इजीली ये क्या हुआ। सो लैम्बडा को ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ, ठीक है? तो ये चीज मैं देखो यहां पे यूज करने वाला हूं, ई 40 लैम्बडा 2 क्या है, लैम्बडा 2 इज अ डीके कांस्टेंट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस, तो डीके कांस्टेंट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस ये देखो उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड सब्सटेंस ना, लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड सब्सटेंस व्हिच इज 2t माइनस, ये क्या है लैम्बडा 1 क्या है, लैम्बडा 1 इज अ डीके कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, फर्स्ट सब्सटेंस के लिए क्या लिखेंगे, log of 2 divided by half life of first substance which is t। देखो इधर t और 2t आ गया, देखो t और 2t ये वाला यहां आएगा, लैम्बडा की जगह आप लिख सकते हो log of 2 upon half life, लेकिन ये जो t है ये 40 रहेगा, इट्स अ टाइम एट व्हिच वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर। अब देखो ये 40 जो है बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये जो 40 डिवाइडेड बाय 2t तो जाएगा 2 ln 2, 2 log of 2 ना, माइनस साइन, अब ये 40 अंदर मल्टीप्लाई किया, 40 डिवाइडेड बाय दिस t 4 हो जाएगा, 4 log of 2, तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस रिजल्ट। ये फाइनल रिजल्ट नहीं, हम लोग और आगे करेंगे, पहले यहां तक आप समझ के लो और लिख के भी ले लो, फिनिश इट अप टू दिस, अंडरस्टैंड एंड डू इट। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो।
स्टेप बाय स्टेप करो, स्लोली स्लोली जाओ, एक एक स्टेप समझो कि क्या कर रहे हो, और कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। या कोई कंफ्यूजन है क्या अभी? श्योर, वेरी क्लियर। अब इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप ये आएगा, देखो ये है 2 log 2 - 4 log 2, तो मतलब ये 2 - 4 है, 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। सो इसको अगले स्टेप में आप लिख सकते हो e raised - 2 log 2, है ना, इसको आप लिख सकते हो e raised - 2 of log 2। फिनिश्ड, आगे बढ़ू मैं? So I'm going ahead. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो n1/n2 को क्या लिख सकते हैं, e raised - 2 log 2, है ना। यहां पर ये थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है, इसके बाद अभी कैसे करेंगे। देखो अभी ये जो e है यहाँ पे ना, e को अगर मैं वहां पे भेज दू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या एक काम करो, चलो दूसरे तरीके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करना होता है, टेकिंग लॉग, लेकिन लॉग कौन सा लेंगे, लॉग टू द बेस ई वाला लेंगे। देखो जब भी आप ऐसे अटक जाओ ना, तो लॉग लेने का दोनों साइड, जब देखो लॉग आप लोगे ना, इट विल बी लॉग ऑफ टू द बेस ई लेंगे, लॉग ऑफ n1/n2, इधर आप जैसे लॉग ऑफ ई लोगे तो ई का जो पावर है वो पावर ऐसे साइड में नीचे आ जाएगा ना, ऐसे मल्टीप्लाई में। ये समझ में आया? लॉग लेने पे क्या होता है, जो पावर है पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है ना, लाइक दिस। अब देखो ये जो है, इट्स अ लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, ये तो वन हो जाएगा ना, लॉग ऑफ ई टू द बेस ई है, इट्स वन, खाली क्या बचा, लॉग ऑफ n1/n2 इक्वल्स टू -2 log 2। अब ये माइनस टू मैं ऊपर ले सकता हूँ, आई कैन राइट दिस वे, लॉग ऑफ 2 raised - 2, देखते जाओ, बराबर। अब दोनों साइड से लॉग लॉग कैंसिल, 2 raised - 2 को आप डिनोमिनेटर में ले लो, तो इट बिकम 1/2 raised - 2। व्हाट इज 2 raised - 2? 4। सो आंसर आ रहा है 1/4। देखो लास्ट आंसर कितना इजी है, सिंपल है, 1/4 है, बट कैलकुलेशन इज स्लाइटली टफ। समझा? देख लो पूरा, जस्ट सी टू इट, दिस इज अ वे यू कैन रीच टू द फाइनल आंसर, कुछ ना कुछ करके पहुंच सकते हो फाइनल पे। अब ये स्टेप्स में भी कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो, तो नोट इट डाउन, आराम से एक एक स्टेप नोट करो, सोच समझ के नोट करो, और कुछ डाउट है तो पूछो। Yeah, finished. Over. The final answer is 1/4. ठीक है। तो 40 time के बाद, after the time of 40, जितने nuclei उनके पास रह जाएंगे वो है 1/4. Student, ये जो आपने method किया, इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स, काफी लॉजिकली नहीं किया हमने, मैथमेटिकली किया पूरा, ठीक है। एक लॉजिकल मेथड भी है इसको करने का, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, इनको करने का एक लॉजिकल मेथड भी होता है, मतलब हम लोग अपना लॉजिक लगा के कर लेंगे। लॉजिकल मेथड भी देख लो एक बार, सपोज इनिशियली इतने सब्सटेंस है, इनिशियली इतना सब्सटेंस है, और हाफ लाइफ ये है टी, टी इज अ हाफ लाइफ, सो एक हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतने हो जाएंगे ना, दूसरी हाफ लाइफ के बाद एक और हाफ लाइफ हो गई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतने हो जाएंगे,
एक और हाफ लाइफ के बाद, मतलब और एक टी टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियर इतने हो जाएंगे, और एक हाफ लाइफ के बाद और एक हाफ लाइफ ले लो नंबर ऑफ न्यूक्लियर इतने हो जाएंगे। तो देखो टोटल टाइम कितना हो गया, टी 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 एंड टी, टोटल देखो टाइम 40 हो गया। तो 40 टाइम के बाद कितने एटम्स बचेंगे, एन नॉट बाय 16। ये वो सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ टी है। अब मैं दूसरा सब्सटेंस ले लेता हूँ, ये देखो दूसरा सब्सटेंस है ये, इसके भी इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है एन नॉट, इसकी हाफ लाइफ 2t है, 2t इज अ हाफ लाइफ। तो 2t टाइम के बाद इतने न्यूक्लियर हो जाएंगे ना, और एक 2t टाइम ले लो, और एक 2t टाइम, और एक बार 2t ले लो, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर इतने हो जाएंगे। तो देखो टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ पे 2t टाइम हो गया और फिर से 2t टाइम हो गया, टोटल टाइम 40 हो गया। तो 40 टाइम के बाद कितने एन नॉट बाय 4। सो सी दिस, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस आफ्टर 40 टाइम, एंड दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ सेकेंड सब्सटेंस आफ्टर टाइम 40। तो यही दोनों नंबर ऑफ न्यूक्लियर है ना आफ्टर 40 सेकेंड, इन दोनों को डिवाइड करो, एन नॉट एन नॉट कैंसिल, डिवाइड अच्छे से करो, इट विल बी 4/16। 4/16 मतलब 1/4, ये भी आंसर आ गया। सेकेंड मेथड शॉर्ट रहेगी, फर्स्ट वन इज शॉर्ट, आई थिंक सेकेंड इज शॉर्ट, लेकिन ये लॉजिकल है, एमसीक्यू में आप ये करके आओ चलेगा, ठीक है, बोर्ड में भी कर सकते हो, इट्स ओके, दोनों में से कोई भी मेथड ले सकते हो जो आपको ठीक लगे, बट अगर ये ले रहे हो तो थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा इसको प्रॉपरली, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे लॉजिकली भी कर सकते हैं, एमसीक्यूज में तो ये मेथड चल जाएगा आई थिंक, ठीक है, बट अगर ये मेथड आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है कि मतलब अगर एग्जाम में ये नहीं आया कुछ और, मतलब ये नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फर्स्ट मेथड से करना चाहिए फिर, ठीक है। चलो, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ, आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यूरेनियम 92-235, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यूरेनियम 92-235 यहां पे लिखा है, डीकेस्ट यूरेनियम 92-235 डीकेस्ट थोरियम, डीकेस्ट थोरियम, थोरियम मैंने यहां पे लिखा है 90-223, ये देखो ये थोरियम की फॉर्मूला है 90-233, बाय एमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, बाय एमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, फुल स्टॉप, कैलकुलेट the number of alpha and beta particles emitted, calculate the number of alpha and beta particles emitted, ठीक है लिखा आपने। तो यूरेनियम इज कन्वर्टिंग इनटू थोरियम, तो इस कन्वर्जन में कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे वो फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। सी ये नए टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, डोंट वरी। सी ये यूरेनियम और ये है 92-235, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये जो ना ऊपर ध्यान से सुनो, स्टेप सुन लो, सबसे पहले मास नंबर पे फोकस करो, इसको बोलते हैं मास नंबर, फोकस ऑन दिस, ठीक है। ध्यान से सुनो, अभी जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है ना, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, आप में से किसी को याद है कि जो ये मास नंबर है, दिस इज कॉल्ड मास नंबर, ए है ये, इट ड्रॉप्स बाय 2 और इट ड्रॉप्स बाय 4, कुछ याद है मास नंबर क्या होता है, ड्रॉप्स बाय
फोर याद है? ठीक है, अब एक बात बता, जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है, व्हेन बीटा इज एमिटेड, तब मास नंबर को क्या होता है? हम मास नंबर कितना चेंज होता है जब बीटा पार्टिकल निकलता है? मास सेम ही रहता है, मास नंबर चेंज नहीं होता, मास नंबर सेम ही रहता है। हाँ, तो बीटा पार्टिकल एमिट करने पे ये मास नंबर चेंज नहीं होता है, अल्फा पार्टिकल एमिट करने पे इट ड्रॉप्स बाय फोर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो, सबसे पहले आपको मास नंबर से ही स्टार्टिंग करनी होती है, सुन लो, कभी भूलना मत ये, मास नंबर से ही स्टार्ट करनी होती है। अब क्या करो, सब यूरेनियम बिकम थोरियम, अल्टीमेटली थोरियम की फॉर्मूला लिखिए 90-223। सबसे पहले आप मास नंबर पे नजर डालो, 235 से 223 हो गया, इफ 235 हो गया, मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 12। आई कैन से हेयर मास नंबर हैज डिक्रीजेस बाय 12, 235 से 223 हो गया ना, डिक्रीज बाय 12 हुआ। अब आप अपना दिमाग लगाओ, एक अल्फा पार्टिकल जब निकलता है ना, सो द मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, तो इधर डिक्रीजेस बाय 12 हुआ है, कितने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे? तीन अल्फा। हाँ, तो लिखेंगे देयरफॉर, नहीं कोई रीजन आपसे नहीं पूछेगा, आप सीधा ऐसे लिखने का, सिंस मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 व्हेन वन अल्फा पार्टिकल इज रिलीज्ड, देयरफॉर 3 अल्फा पार्टिकल मस्ट हैव बीन रिलीज्ड, 3 अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, 3 अल्फा पार्टिकल मस्ट बी रिलीज्ड। ठीक है, सीधा स्टेटमेंट भी लिखोगे तो भी चलेगा, सीधा लिख देने का 3 अल्फा पार्टिकल मस्ट बी रिलीज्ड, कोई रीजन बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ। नाउ, लेकिन बाद जब अल्फा पार्टिकल 3 निकलते हैं, 3 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, बिकॉज ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो जेड है ना, वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जेड जो होता है, जेड इज द एटॉमिक नंबर, जेड डिक्रीजेस बाय हाउ मच, याद है? एटॉमिक नंबर डिक्रीज 2। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, सो अगर 3 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, 3 निकले ना, 3 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, तो z विल डिक्रीज बाय 6 ना, z है ना 6 डिक्रीज हो जाएगा, तो ये जो 92 है ना, उससे वो 6 डिक्रीज हो जाएगा, 6 डिक्रीज हो गया, मतलब 86 बन जाएगा ना। ठीक है, इट विल बिकम 86। तो काम करो, इसमें भी आपको काम, मतलब लिखेंगे कैसे, वो कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो काम करो, पहले मैंने यूरेनियम लिया 92-235, इसमें आपने बोला 3 अल्फा पार्टिकल निकले, तो एक अभी मैं एक बीच में एक रिएक्शन लिखूंगा, 3 अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद सपोज एक अननोन सब्सटेंस बन जाएगा, अननोन, दिस विल ड्रॉप बाय 12, इट विल बिकम 223, दिस विल ड्रॉप बाय, z decreases by 2 होता है, तो ये 3 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, तो it will drop by 6, 92 से ये 6 drop हो जाएगा, it will become 86, ये बीच का कोई substance है। अब इसके बाद beta पार्टिकल emit होंगे और ultimately thorium बनेगा, this one, तो अभी यहां से thorium बनेगा, एक बात, अभी beta पार्टिकल emit होंगे, पहले 3 अल्फा हो गए, अभी beta की बात करते हैं। जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है, तो आपने बताया कि मास नंबर रिमेन सेम, 223 रिमेन 223 ओनली, मास नंबर सेम रहेगा, लेकिन आपको याद है बीटा पार्टिकल निकलने पे एटॉमिक नंबर के साथ क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द जेड? इंक्रीजेस बाय 1, इंक्रीजेस बाय 1, जेड इंक्रीजेस बाय 1, इधर देखो जो जेड है ना 86 से 90 हो गया, इट इंक्रीजेस बाय 4, तो z increases by 4 है, तो उसके लिए कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे? 4। कोई रीजन नहीं पूछेगा, आपको अपना लॉजिक लगा के करना है, आपका अपना क्लियर होना चाहिए, कोई रीजनिंग लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा ऐसे रिएक्शन लिख देने का, उसके बाद लिखने का, therefore 3 अल्फा एंड 4 बीटा पार्टिकल्स विल बी रिलीज्ड। थोड़ा बहुत लिखेंगे तो अच्छा है, क्या लिखने का, एक दो सेंटेंस लिखना होता है, लिखने का व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, इतना भी लिखा चलेगा।
फिर बाद में लिखना है व्हेन बीटा इज रिलीज्ड जेड रिमेन जेड इंक्रीजेस बाय वन ए रिमेन सेम, बस इसे छोटा सा लिख देने का. सो आंसर इज 3 alpha and 4 beta. वेरी क्लियर. ठीक है, इसमें एक चीज और बता देता हूं. अगर आपने नीचे पहले आपने मास नंबर से स्टार्ट नहीं किया, एटॉमिक नंबर से स्टार्ट किया, पहले 92 से स्टार्ट किया, आप कंफ्यूज हो जाओगे. पहले मास नंबर से स्टार्ट करने का, क्योंकि मास नंबर सिर्फ अल्फा पार्टिकल में चेंज होता है, बीटा पार्टिकल्स में चेंज नहीं होता है मास नंबर एमिट करने पे. पहले मास नंबर से स्टार्ट करने का हमेशा. ठीक है, आई होप दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस आर आल्सो क्लियर. सो आज मैंने इस टाइप की न्यूमेरिकल करा दिया. ऐसे ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द रेडियो एक्टिविटी. आप और करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का. ठीक है, लेकिन हमने इस चैप्टर को काफी इलांगेट किया है, काफी क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर के. अब मैं आज नेक्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. टुडे आई विल स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर. ओके, सो टुडे वी स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, काफी बड़ा नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इन शॉर्ट इसको हम लोग लिखते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई. क्लियर, ठीक है. अब ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, थोड़ा मैं इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ. इट इज कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्ट चैप्टर बाय द स्टूडेंट. मतलब स्टूडेंट को लगता है कि ये डिफिकल्ट है. मतलब डिफिकल्ट क्यों लगता है? एक्चुअली इस चैप्टर में फॉर्मूलाज ज्यादा नहीं है. इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं. फॉर्मूलाज आर नॉट टू मेनी, वेरी फ्यू फॉर्मूलाज आर देयर. फॉर्मूलाज इतनी नहीं है, ठीक ठाक है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुई समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है. मतलब फॉर्मूलाज की डेरिवेशन थोड़ी डिफिकल्ट लगती है. डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर सीम्स डिफिकल्ट Not because mathematics is more, उसमें mathematics ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं है. थोड़ा logically सोचना पड़ता है. In this chapter, if you want to understand this chapter, you have to think logically. काफ़ी detail में सोचना पड़ता है, तभी समझ में आएगा. That's why वो students को habit होती नहीं है इतना सोचने की. बोलते हैं सर इतना कौन सोचेगा. तो थोड़ा ऐसा difficulty लगती है. It's important chapter, very important. दो तीन क्वेश्चन आप हर पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो. उसके बोर्ड में भी दो तीन क्वेश्चन हो सकते हैं. जेई नीट सीटी हर पेपर में एक दो क्वेश्चन तो मिनिमम इसके आएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नॉलेज वाइज भी बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको. मेनी न्यू थिंग्स विल गेट. सो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यू कैन से क्लास 12th का. ओके, जैसे 11th में ना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फोर्स जिसको बोलते हो, वैसे ही ये पेपर 2 का 12th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ मैं. आज खाली मेनली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही होगा कि ये क्या है वगैरह. ऐसा कुछ 11th स्टैंडर्ड में था क्या ये चैप्टर? नहीं ना? नहीं सर. नहीं, ठीक है. तो मतलब ये पूरी तरह से न्यू कॉन्सेप्ट रहेगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोग को ये एक मालूम है चीज कि जब करंट हम लोग पास करते हैं किसी वायर में से, व्हेन वी पास करंट इन एनी वायर द करंट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना. इट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरस्टेड. ओरस्टेड ने ये बताया था, व्हेन यू पास करंट थ्रू अ वायर इट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड. दिस वाज सजेस्टेड बाय ओरस्टेड इन द ईयर 1810. ठीक है, तो जब ओरस्टेड ने ये बताया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, तब कुछ और साइंटिस्ट आ गए. ठीक है, सम मोर साइंटिस्ट केम. उन्होंने सोचना चालू किया कि क्या रिवर्स पॉसिबल है क्या. मतलब दे स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या रिवर्स भी इसका पॉसिबल है क्या. मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड से मैं करंट बना सकता हूँ क्या, ऐसा सोचना चालू किया. ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में ना बहुत सारी चीजें रिवर्स
सॉरी वन सेकेंड, क्योंकि फिजिक्स में ना बहुत सारी चीजें रिवर्सिबल होती हैं. वन सेकेंड, हाँ, देयर आर मेनी थिंग्स इन द फिजिक्स विच आर रिवर्सिबल. मतलब करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो कुछ साइंटिस्ट और आए, उन्होंने सोचना चालू किया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी वापस करंट बना सकते हैं क्या. वी शुड चेक दिस ना, ठीक है. इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने काम किया. दे स्टार्टेड ट्राइंग टू प्रोड्यूस द करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. मतलब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देंगे, उससे अपने आप करंट जनरेट हो जाए, ऐसा सोचना चालू किया. इस फील्ड में जिन साइंटिस्ट्स ने काम किया उनके नाम बता देता हूँ. देर आर मेनी लेजेंड्स, लेजेंडरी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर ट्राई किया. एक थे सर माइकल फैराडे, सुना है आपने इनके बारे में. दूसरे थे हेनरी भी करके एक साइंटिस्ट थे. हेनरी के बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन हेनरी भी एक इम्पोर्टेंट फिजिसिस्ट थे. इन्होंने भी काफी डिस्कवरीज वगैरह की है, हेनरी, ठीक है. और दूसरे थे फैराडे. तो द लेजेंडरी साइंटिस्ट लाइक फैराडे एंड हेनरी, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस पॉइंट दैट इज इट पॉसिबल टू गो रिवर्स, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से वापस करंट बना सकते हैं क्या. इसका आंसर है यस, इट्स करेक्ट, बनाया जा सकता है. ये सबसे पहले फैराडे ने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ हेनरी. दोनों मतलब हेनरी की हेल्प से फैराडे ने किया. फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए. ही डिजाइन सम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट. उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि यस, मैग्नेटिक फील्ड से वापस करंट जनरेट हो सकता है. इंडीड इट्स पॉसिबल, ठीक है. सो अगर आपको पहले कुछ नोट करना है तो ऐसे नोट कर लो, ठीक है. उसके बाद मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट्स बताता हूँ. द एक्सपेरिमेंट्स विथ विच फैराडे प्रूव्ड दैट यस, करंट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. जैसे मैंने लिखा है ना स्टूडेंट, ऐसे ऐसे मत लिखो, थोड़ा सेंटेंस वाइज लिखो, ज्यादा समझ में आएगा. चाहे तो मैं लिखवा देता हूँ, राइट ऑन. ऐसे लिखो, एज वी नो दैट करंट इन द वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. As we know, current in the wire produces magnetic field around it. Full stop. This was discovered by Oersted. Full stop. आगे लिखो. After this, many other scientists like Faraday and Henry, many other scientists like Faraday and Henry started to think that whether reverse is possible? In other words, is it possible to generate current from magnetic field? Is it possible to generate the current from magnetic field? Question mark. Haan. Uske aage likho. The answer is yes.
द आंसर इज यस. फुल स्टॉप. हाँ बस एक सेंटेंस और है, आगे लिखो. द फेराडे डिजाइंड सम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. द फेराडे डिजाइंड सम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच वी कैन प्रोड्यूस करंट. In which we can produce current from magnetic field. In which we can produce the current from magnetic field. ठीक है. हाँ एक सेकेंड ना. अभी देखो, अभी मैंने आपको लिखवाया क्या कि मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं. ये जो करंट जनरेट होता है ना, जो करंट बनता है, इसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. इंड्यूस्ड, इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट. लास्ट में लिख लो, द करंट इज जनरेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. एंड लास्ट में लिख दो, एंड दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. एंड दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट. ठीक है. Very clear. This current is known as induced current. I hope it's very clear. हाँ, clear. Idea समझ में आया? तो अब मैं आपको Faraday के वो experiments बता देता हूँ आज कि कैसे उसने ये generate किया था. So you can put the heading Faraday's experiments. सबसे पहले हमें कुछ फैराडे के एक्सपेरिमेंट समझने होंगे. ठीक है. सी, इसने क्या किया पता है? इन रियलिटी इसने खाली दो एक्सपेरिमेंट किए मेनली. वन बाय वन दोनों बताऊंगा मैं. पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं. ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसका कुछ नेम भी है. इट हैज अ नेम आल्सो. नेम है कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट. कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट. नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक कॉइल होगी और एक मैग्नेट होगा. और क्या होगा, है ना? चलो मैं बताता हूं कैसा है. सी डू इट. सबसे पहले इसने क्या किया, इसने कॉइल लिया ऐसे. सी, सपोज ये एक मेटल की वायर है जिसको हमने एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया है. सो इट बिकम अ सर्कुलर कॉइल. कॉइल हो गया. अब इसकी जो एंड पॉइंट्स हैं इस वायर की, सी दीज आर द एंड पॉइंट्स. दिख रहा है? ऐसा कॉइल है. पहले आप देख लो अच्छे से, बाद में ड्रॉ करो. ठीक है. ये अब ये जो नीचे की दो एंड पॉइंट्स है ना, इसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया. ये देखो. अब देखो ये क्लोज सर्किट बन गया. इजंट इट, इट्स अ क्लोज सर्किट. इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर भी है. गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट मेजर कर लेता है. इट मेजर्स द करंट. तो करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर भी है. लेकिन देखो आप यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगी हुई है. कैन यू सी एनी बैटरी? नहीं. बैटरी जो है ना, बैटरी को हम लोग बोलते हैं इस चैप्टर में खास करके, बैटरी को कहा जाता है सोर्स ऑफ ईएमएफ. सोर्स ऑफ ईएमएफ इज अनदर नेम फॉर बैटरी. तो यहाँ पे आपको कोई बैटरी नहीं दिख रही है ना, मतलब कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है. कोई ईएमएफ नहीं है इसमें. तो ऑब्वियसली करंट जनरेट होने का चांस ही नहीं है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट यहाँ पे करंट आ जाएगा. ठीक है. हमने बैटरी नहीं लगाई है. सिंपल. अब नेक्स्ट टाइम टेकिंग अ मैग्नेट. ये देखो एक मैग्नेट है. नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इट्स साउथ पोल. आप साउथ पोल भी आगे रख सकते हो. कॉयल के आगे साउथ पोल भी रख सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है. नॉर्थ रखो या साउथ रखो, कोई कहीं पे भी रख सकते हैं. अब देखो फैराडे ने क्या किया, उसने एक कॉयल ले लिया. दिस इज अ कॉयल और ये मैग्नेट है. अब इसने क्या किया, पहले इसने मैग्नेट को रेस्ट पे रखा. ही कीप द मैग्नेट एट रेस्ट. और कॉयल भी रेस्ट पे है. कॉयल और मैग्नेट दोनों रेस्ट पे हैं. जब इसने मैग्नेट भी रखा और ये भी रखा, कॉयल भी रखा रेस्ट पे, तो इसने सोचा क्या, इसने सोचा कि जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है.
isn't it? मैग्नेट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. तो ये कॉयल के आसपास देखो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा. अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो बता देता हूँ, ऐसे होगा ना मैग्नेटिक फील्ड. देखो यहां से इस कॉयल में से भी देखो कुछ मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी. सम मैग्नेटिक लाइंस विल पास थ्रू दिस कॉयल. तो आई कैन से द फ्लक्स आर पासिंग थ्रू दिस कॉयल. इस कॉयल में से फ्लक्स पास हो रहे हैं. फ्लक्स इस कॉयल में से कुछ लाइंस पास हो रही हैं, मतलब फ्लक्स पास हो रहे हैं बेसिकली. फ्लक्स को कैलकुलेट वगैरह कैसे करते हैं वो मैं सेकंड लेक्चर में बताऊंगा, बट कुछ मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी ना इस कॉयल में से, मतलब फ्लक्स आर पासिंग. फ्लक्स को ऐसे लिखा जाता है फाई. तो मैग्नेट रेस्ट पे इस कॉयल में से कुछ फ्लक्स पास हो रहे हैं, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया है. लेकिन फैराडे ने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से कोई करंट नहीं आ रहा था, करंट वॉज जीरो. गैल्वेनोमीटर वॉज शोइंग जीरो करंट, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड तो है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन करंट नहीं बन रहा है, करंट इज जीरो. ठीक है, मतलब अभी तक तो करंट नहीं बना है, करंट इज स्टिल जीरो. फिर उसने क्या किया, जो मैग्नेट है ना वो रेस्ट पे था ना, मैग्नेट मैग्नेट वॉज एट रेस्ट. मैग्नेट को मोशन चालू किया, मैग्नेट को मूव करना चालू किया. नाउ मैग्नेट इज मूविंग. कंसिडर द सेकेंड केस, मैग्नेट इज मूविंग. सपोज ये जो मैग्नेट है ना उसको हम लोग ने इस तरफ मूव करके लेके गए, इस तरफ, सी इस तरफ लेके गए. तो इज इट मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स द कॉयल ना. जब मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉयल मूव होगा ना, सो क्या होगा, जो इस कॉयल में से फ्लक्स पास हो रहे हैं, द फ्लक्स विच आर पासिंग थ्रू दिस कॉयल, द मैग्नेटिक लाइंस विच आर पासिंग थ्रू दिस कॉयल, क्या लगता है जब मैग्नेट को ऐसे मूव करेंगे, सो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द कॉयल विल इंक्रीज और नंबर ऑफ लाइंस विल रिमेन सेम, क्या लगता है? इंक्रीज, यस. सो एक याद रखो, अगर आप मैग्नेट को ऐसे मूव करोगे, so number of lines which are passing through the coil, the number of magnetic lines, the number of flux, usko bol sakte ho, flux increase honge basically. To isne kya dekha Faraday ne, ki jaise hi aapne is magnet ko aage move kiya, magnet is moving, to isne dekha ki is galvanometer mein kuch kuch current aane laga hai, current start coming, matlab current aa gaya, usko bolte hain current is induced. इस कॉयल में करंट आ गया. सपोज देखो मैं करंट ड्रॉ कर लेता हूं, सपोज ऐसा करंट आ गया, देखो देखो दिख रहा है, देखो करंट, ये करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, देखो तो एंटी क्लॉकवाइज. क्यों एंटी क्लॉकवाइज है वो बाद में देखते हैं, बट ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज एंटी क्लॉकवाइज करंट है स्टार्टिंग में. ठीक है, तो मैग्नेट जैसे इधर मूव किया करंट वॉज इंड्यूस्ड. मतलब अब फिलहाल इतना याद रखो कि जब मैग्नेट रेस्ट पे था तो करंट नहीं जनरेट हो रहा है, मैग्नेट इज मूविंग तो करंट जनरेट हुआ. इसने फिर उल्टा करके देखा, उल्टा मतलब इसने मैग्नेट को रेस्ट पे रखा और कॉयल को मूव किया. ही केप्ट मैग्नेट एट रेस्ट एंड ही मूव्ड द कॉयल. तो इसने देखा कि फिर भी करंट जनरेट हो रहा है, फिर भी करंट जनरेट हो रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैग्नेट मूव हो रहा है कि कॉयल, कोई भी मूव हो, anybody can move, current generate होता है. अगर magnet move हो रहा है, coil move हो रहा है, doesn't matter, current was generating. ठीक है, इसके बाद उसने एक last चीज और किया. इसने क्या किया, ये जो magnet है ना वो move कर रहा था, याद है, the magnet was moving towards the coil. अब इसने उल्टा किया, the magnet is now moving away from the coil. अब magnet is moving away from the coil. Suppose, tell me, जब magnet coil से away move करेगा तो आई थिंक फ्लक्स विल डिक्रीज थ्रू द कॉयल ना, फ्लक्स फिर से चेंज होंगे, आई थिंक डिक्रीज होंगे इस बार, क्योंकि मैग्नेट दूर जाएगा, मतलब कॉयल और मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाएंगे. देन मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम वीकर एंड वीकर विच इज पासिंग थ्रू द कॉयल, फ्लक्स कम होते जाएंगे कॉयल में से. तो इसने देखा जब मैग्नेट को वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द कॉयल ना, अवे मूव किया, तो इसने देखा तब भी करंट जनरेट हो रहा है, लेकिन करंट वॉज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सपोज ये जो एंटी क्लॉकवाइज करंट था ना वो क्लॉकवाइज बन गया, तो वो मैं मतलब मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने पे करंट भी ऑपोजिट हो गया.
तो मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, when magnet is moved away, और पहले वाले जो पार्ट है magnet is moving towards coil. पहले केस में क्या था, magnet is moving towards the coil, current is induced. Now when magnet is moving away from the coil, तब भी पता है करंट इंड्यूस होता है, लेकिन मैंने जैसे बताया करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, सपोज एंटी क्लॉकवाइज था, अभी क्लॉकवाइज बन जाएगा. सो करंट इज अगेन इंड्यूस्ड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो ये फैराडे की ऑब्जर्वेशंस है, इसके पीछे जो रीजनिंग है ना, ऐसा क्यों होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, व्हाई दीज आर हैपनिंग. पहले हम लोग खाली ऑब्जर्वेशंस क्या देखा फैराडे ने वो देख रहे हैं. तो इसने देखा जब मैग्नेट रेस्ट पे है ना तो कुछ भी नहीं बनता है, जो करना है कर लो, कुछ नहीं होगा. मैग्नेट का मोशन होना चाहिए या तो फिर कॉयल मूव करनी चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड मूव, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, समबडी हैज टू मूव. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होना चाहिए. इफ द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा, मतलब फ्लक्स विल इंक्रीज, तब करंट एक डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है. अब अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग, दैट विल फ्लक्स विल डिक्रीज, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल विल डिक्रीज, तो करंट उल्टे डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है. ठीक है, ये अजीब चीज उसने देखी, लेकिन एक अच्छी बात उसने देखी कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है. देखो वी आर मूविंग अ मैग्नेट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो रहा है. लेकिन एक बात बताओ, अगर इसमें से मैं एक कंक्लूजन निकाल दूं, आप खाली इतना बताओ वो कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है, खाली उतना बताना है. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि इस कॉयल में से जो फ्लक्स पास हो रहे हैं, द फ्लक्स विच आर पासिंग थ्रू दिस कॉयल, जब वो फ्लक्स चेंज होते हैं तभी करंट बनता है, अगर वो फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहते हैं तो करंट नहीं बन रहा है, ऐसा राइट है क्या? मतलब when flux are changing at that time only current is induced, when flux are changing, if the flux are constant passing through the coil, flux are constant, then current is not induced. Flux change hona chahiye current banne ke liye, sahi hai kya ye? Main bol raha hu isliye mat manna, aapko aisa lag raha hai kya man se ye observation dekh ke ki whenever flux are changing then only current is inducing, matlab करंट बनने के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, ये सही है क्या? यस सर, हां सही है, एकदम सही है, यही फैराडे ने ऑब्जर्व किया. तो एक सेंटेंस लिख दो लास्ट में, चाहिए तो, देयरफॉर करंट इज इंड्यूस्ड ओनली व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स आर चेंजिंग. मैं लिखवा देता हूं, अच्छे से लिखो, करंट इज इंड्यूस्ड ओनली व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स passing through coil, लिखो अच्छा रहेगा, magnetic flux passing through coil are changing, current is induced only when magnetic flux passing through the coil are changing. पक्की बात, समझ लिया? No doubt. ठीक, so this was I think first experiment done by Faraday. ठीक है, आज मैं अभी फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ. सेकंड एक्सपेरिमेंट बहुत ही छोटा है, इट्स रियली स्मॉल, ठीक है, बहुत ही छोटा है. सेकंड एक्सपेरिमेंट का नाम होता है कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट, इट्स अ सेकंड एक्सपेरिमेंट, बहुत छोटा है, आराम से हो जाएगा, कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट. ठीक है, नाम से ही समझ में आता है कि इसमें आई थिंक दो कॉइल्स होंगी, कॉइल कॉइल. ठीक है, तो चलो मैं दो कॉइल्स बना लेता हूँ, ध्यान से देखो. पहले ये देखो एक कॉइल है जिसे हमने पहले बनाई थी, ये कॉइल मतलब एक वायर को बेंड करके कॉइल बना दिया ऐसे. सो इसकी जो एंड पॉइंट्स हैं इसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया. आई थिंक इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस केस. या इसके साथ साथ जो पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया, पहले एक्सपेरिमेंट इसके साथ साथ एक मैग्नेट था, याद है? अब मैग्नेट का जो रोल है वो कॉइल ही प्ले करेगा. यहाँ पे एक मैग्नेट भी होना चाहिए ना. The role of the magnet will now be played by another coil. दूसरी coil आएगी जो magnet का ही role play करेगी. ये कुछ अलग experiment नहीं है student actually. देखने में अलग लगता है, लेकिन ये first experiment ही almost. ठीक है?
ये देखो अभी जो दूसरी मैंने कॉइल ली उसको देखो बैटरी कनेक्ट किया है, बैटरी मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसका कुछ ईएमएफ रहेगा, देखो इसका ईएमएफ है ई, ठीक है। अब एक बात, दो कॉइल्स है ना, तो इसलिए नेमिंग कर देता हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। ये है कॉइल नंबर वन और ये है कॉइल नंबर टू, कॉइल वन और कॉइल टू, ठीक है। अब कॉइल वन में आप करंट पास कर रहे हो ना, यू आर पासिंग करंट, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया है तो डेफिनेटली करंट पास होगा, इट इज नॉर्मल करंट जो फ्लो होता है लाइक दिस। तो एक बार बताओ कॉइल वन में ध्यान से देखो, ठीक है, कॉइल वन में करंट पास हो रहा है, ओरस्टेड आपको याद है, ग्रेट साइंटिस्ट ओरस्टेड, ओरस्टेड ने बोला था जब करंट पास करते हैं किसी वायर से तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल वन अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्या, कॉइल वन अपनी फील्ड बनाएगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, यस, कॉइल वन विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैं एग्जैक्टली वो नहीं बनाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड, बट मैं ऐसे सिर्फ बना लेता हूँ, ये देखो सी, इसे थोड़ा सा बना दिया, ये क्या पता है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय कॉइल वन, ये कॉइल फील्ड की अपनी। अब देखो अगर आप इसको पहले वाले एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करोगे, यहाँ पे बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट क्या कर रहा है अपने आसपास, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, कॉइल वन भी क्या कर रही है अपने आसपास, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, मतलब कॉइल वन इज सेम एज मैग्नेट। लेकिन अभी उसने क्या किया, ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी इसने कॉइल वन को आगे पीछे मूव किया होगा, नहीं वो नहीं करना है, वो तो मैग्नेट में किया था। अब क्या करना है ध्यान से सुनो, ये जो अपने बैटरी लगाया ना, सपोज यहाँ पे एक स्विच भी लगा हुआ है, स्विच ये देखो ऐसे मैंने बना लिया, ये देखो स्विच को पता है वो क्या कर रहा है, स्विच को ऑन ऑफ कर रहा था, उसको मजा आ रहा था, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो एक बात बताओ जब आप स्विच को ऑफ कर दोगे, स्विच ऑफ कर दिया, तो इस कॉइल में से करंट डिक्रीज होने लगेगा, करंट विल डिक्रीज टू जीरो, जैसे ही करंट डिक्रीज होने लगेगा ये मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो भी वीक होने लगेगी, दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट, अगर करंट नहीं होगा इस कॉइल वन में तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी ना। तो एक बात बताओ जब स्विच को ऑफ करेंगे, व्हेन स्विच इज ऑफ, क्या लगता है इस कॉइल में करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एज करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा मतलब जो ये जो फ्लक्स जा रहे हैं, फ्लक्स विल पास थ्रू कॉइल टू ऑल्सो, क्या लगता है फ्लक्स डिक्रीज होंगे कि इंक्रीज होंगे जो स्विच ऑफ करने पे, डिक्रीज और इंक्रीज, क्योंकि करंट अगर हमने बंद कर दिया, स्विच ऑफ किया, मतलब करंट कम होने लगेगा इस सर्किट में, करंट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो रिड्यूस होगी ना करंट रिड्यूस होने पे, तो फ्लक्स विल डिक्रीज। इसने देखा यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद वापस उसने जब स्विच ऑन किया, तो हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करेंगे, एज सून एज यू स्विच ऑन, स्टार्टिंग में करंट इंक्रीज होगा ना, जीरो से इट विल इंक्रीज, स्विच ऑन करने पे करंट इंक्रीज होने लगता है, फ्रॉम जीरो इट विल स्टार्ट एंड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, स्विच ऑन करने पे करंट विल इंक्रीज इन दिस कॉइल, तो करंट इंक्रीज होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, फ्लक्स विल इंक्रीज मतलब फ्लक्स विल चेंज। तो फ्लक्स चेंज होने पे हमने देखा कि सेकेंड कॉइल में वापस करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, स्विच ऑन ऑफ करने पे, मतलब व्हेन यू स्विच ऑन एंड ऑफ, मतलब व्हेन यू चेंज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल में आप करंट को चेंज करो, तो कॉइल टू में करंट इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, जब स्विच को ऑन ऑफ मत करो, कीप द स्विच एज इट इज, स्विच को ऑन ऑफ मत करो, टेल मी वन थिंग, अगर मैं स्विच को छोड़ दूं, इफ आई रिलीज इट, ऑन ऑफ मत करो, तो फर्स्ट कॉइल में जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट कॉइल में जब करंट कांस्टेंट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी, इन दैट केस देयर वाज नो करंट इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल, फर्स्ट कॉइल में करंट को चेंज करने पे सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है करंट, फर्स्ट कॉइल में अगर आपने करंट को कांस्टेंट रखा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, फ्लक्स को कांस्टेंट रखा, then there was no current induced in the second field, second coil. तो इससे वापस वही result आ रही है, flux change होने पे current induced हो रहा है कि flux constant रहने पे induced हो रहा है?
यस, तो आज का जो पूरा एसेंस है, मतलब जो समरी है, वो यही है कि जब भी कॉइल टू में से फ्लक्स आर चेंजिंग देन ओनली करंट इज इंड्यूसिंग, इफ फ्लक्स आर नॉट चेंजिंग करंट इज नॉट इंड्यूसिंग. सो याद रखो एक चीज, चेंज इन फ्लक्स होने पर ही करंट इंड्यूस हो रहा है. ये अपने स्टेटमेंट लिख दी थी ना, ठीक है. अगली बार मैं इससे आगे जाऊंगा, सिर्फ अभी डायग्राम नोट करके लेना आज, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक है. जस्ट नोट डाउन दिस डायग्राम, रिमेनिंग विल डू इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है. सो आई होप ईएमआई का स्टार्टिंग समझ में आ गया आपको. ओके, सो जस्ट नोट डाउन दिस डायग्राम. अब अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं, अगर किसी को डाउट है तो सिर्फ वो पूछो. या anybody having any confusion? हाँ सर, हेलो. हाँ बोलो सौरभ. सर वो स्टार्टिंग वाले में जब स्विच ऑफ रहेगी तभी करंट इंड्यूस नहीं होगा ना, एकदम स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में जब कॉइल वन में जब स्विच ऑफ रहेगा, हाँ हाँ, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा. जैसे आप स्विच ऑन करोगे ना, एक मोमेंट के लिए जब आप अगर स्विच ऑन करोगे तो एक छोटे से टाइम के लिए क्या होगा, करंट इन द कॉइल वन विल इंक्रीज. जैसे ही करंट इन द कॉइल वन विल इंक्रीज, द करंट इन द कॉइल टू विल बी इंड्यूस्ड. लेकिन ऑन करने की कुछ देर के बाद, सपोज आप ऑन हो गया, उसके कुछ देर के बाद करंट इन द कॉइल वन विल बिकम कॉन्स्टेंट. कॉइल वन में करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट हो जाएगी, फिर तब करंट इंड्यूस नहीं होता है. चेंजेस जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होना जरूरी है, तभी करंट इंड्यूस होता है कॉइल टू में. ओके, मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगी, जब करंट इन द कॉइल वन विल चेंज. चेंज, यस. हां सर, ओके, थैंक यू. सिंपल है, आई थिंक, नॉट नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट? ठीक है, हां सर. तो बाकी हम लोग टाइम देखते हैं, चलो. ओके, हेलो सर. हाँ बोलो सर. एक चीज पूछ रहा था सर, जब क्या वो मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाते हैं तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होता है ना? हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंड्यूस होता है. हाँ मतलब वही. और जब क्या लेके जाते हैं तो फिर अपोजिट में.